नमस्कार, जेएमडी न्यूज में आपका स्वागत है और स्वागत है साहित्य साधना में। कानपुर को लोग कहते हैं आधुनिक राजधानी है, कोई कहता है ये पौराणिक क्षेत्र है, कोई कहता है ये क्रांति वीरों की भूमि है, लेकिन अगर ये इसका बहुमुखी स्वरूप देखा जाए तो इसमें उद्भट साहित्यकारों की बहुत बड़ी देन है। कानपुर युग प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, स्नेही जी, गोपाल दास नीरज, व्याकरणाचार्य आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, कितने नाम ले, मुंशी प्रेमचंद, जिनकी जन्मभूमि कर्मभूमि सब यही रही और जिन्होंने न केवल साहित्य को बल्कि देश को एक दिशा दिखाने का काम किया है। धन्य है ये भूमि और इसी भूमि पे जन्मे थे विश्वम्भरनाथ कौशिक। कौशिक जी वैसे तो उनका जन्म अंबाला में हुआ था, लेकिन अल्प आयु में, 4 वर्ष की आयु में वो कानपुर आ गए थे। इसीलिए मैंने कहा कि एक तरीके से देखे तो उनका जन्म गोद लिया था उनको, उनके रिश्तेदार, और फिर यही आए, रच गए, बस गए और साहित्यिक साधना में जुड़ गए। इस वर्ष कौशिक जी की 75वीं पुण्यतिथि है। जो कौशिक जी ने लिखा या उनके समकालीन लोगों ने लिखा, उसकी उपादेयता और उसकी प्रासंगिकता आज भी है। लेकिन मैं अगर बात करूं तो अफसोस ये है कि उसका जितना अध्ययन अनुशीलन होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ है, और वो दिशा भी हम जो है नहीं प्राप्त कर सके हैं जो उस समय के निबंधों में, कथा में, नाट्य शैली में देखने को मिलती थी। कौशिक जी ने न केवल कथा में अपनी रुचि दिखाई बल्कि व्यंग भी लिखे, बल्कि उन्होंने निबंध भी लिखे और अगर देखा जाए तो उपन्यास भी लिखे। उनके कई चर्चित उपन्यास जिसका आज परिचय देंगे। हमारे साथ दो मूर्धन्य साहित्यकार हैं, मैं आपको परिचय करा दूं। हमारे साथ में है प्रोफेसर राकेश शुक्ल जी, मैं उन्हें बहुत अच्छा समीक्षक मानता हूं और आपको मालूम है बीएसडी कॉलेज में प्रोफेसर हैं, और साथ में हमारे हैं नीलांबर कौशिक जी जो कौशिक जी के वंशज भी हैं और उन्होंने उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है और उसमें बड़ी अच्छी सफलता भी हासिल कर रहे हैं। मैं इन दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले नीलांबर जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक की सबसे बड़ी देन साहित्य को क्या थी, आप उन्हें किस रूप में देखते हैं? देखिए, पंडित विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक उस समय हिंदी लेखन में आए जब उर्दू और अंग्रेजी का बहुत ज़्यादा दबाव था और उसमें लोग लिखा करते थे। उस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इस बात का पीड़ा उठाया कि आप चाहे अनुवाद करें, चाहे आप स्वयं का लिखें, चाहे किसी का लिखा हुआ अनुवाद अंग्रेजी का या उर्दू का अनुवाद करें और उसे लेकिन हिंदी में उसको लाएं, और उस परंपरा को आगे बढ़ाया आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, जिन्हें मैं हिंदी का कहानियों का पितामह मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने सरस्वती पत्रिका का जो संपादन किया और वो कानपुर से जो निकलती थी उसी से बड़े बड़े विचारक ये कहते हैं कि कहानी का तो उद्भव उसी पत्रिका से हुआ है। और कानपुर में जब साहित्य का अवदान हो रहा था एक समय में, उनकी इसी पत्रिका के वजह से यहाँ पर इसको कानपुर में कहानी और साहित्यकार साहित्य का हब भी कहा जाने लगा था। और एक उसके बाद बनारस और इलाहाबाद में भी इसी प्रकार के कि जो है साहित्यिक गोष्ठियाँ होती थी। कौशिक जी ने जो अपना अनुदान दिया है, अपना जो अवदान दिया है, उसमें अगर आप इतिहास उठा के देखें तो वे नव लेखन को प्रोत्साहित करते थे। उनकी प्रथम कहानी 1912 में रक्षाबंधन आई, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने पढ़ी और कहा बेटा इसमें हम कुछ सुधार करेंगे।
तो उस उस पर तैयार हो गए और उन्होंने उस कहानी को सरस्वती में छापा। उसके बाद से वे विभिन्न पत्रिकाओं में छपते रहे, प्रभा, माधुरी और विशाल भारत, तमाम चांद में तमाम पत्रिकाओं में वो छपते रहे। जब वो पूरी तरह स्थापित हो गए तो उसके उपरांत कई लेखक उनके संपर्क में आए जिनको उन्होंने आगे बढ़ाया। उसमें सर्वश्रेष्ठ नाम सब सर्वोपरि नाम आता है प्रेमचंद का। प्रेमचंद ने 1916 में अपनी प्रथम कहानी लिखी और वे उर्दू में लिखा करते थे। दयानारायण निगम मुंशी दयानारायण निगम जी जमाना के संपादक संपादक थे। संपादक थे। वे उनको लेकर कौशिक जी के पास आए थे क्योंकि कौशिक जी उर्दू में भी लिखते थे। उन्होंने परिचय कराया, तब उन्होंने कहा कि भाई मैं हिंदी में आना चाहता हूँ। तो कौशिक जी ने कहा कि ठीक है, आप हिंदी में क्यों आना चाहते हैं, उर्दू में तो आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं। तो बोले नहीं, हिंदी बहुत ज़्यादा प्रचलित भाषा है, इसलिए मैं हिंदी में आना चाहता हूँ। तब उन्होंने कहा कि अच्छा, कुछ लिख के लाए हैं। तब उन्होंने अपनी पहली कहानी उनको दिखाई तो वे बोले अच्छा, बोले मैं ये चाहता हूँ कि ये सरस्वती में छप जाए, आपका अच्छा परिचय है द्विवेदी जी से, तो इस कहानी को मैं चाहता हूँ कि सरस्वती में छपे। वे उस कहानी को लेकर सरस्वती उनकी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के पास गए और उन्होंने उस कहानी को दिखाया। और उसके बाद जो देखने के बाद उन्होंने कहा, पढ़ने के बाद कहा कि कहानी तो बहुत अच्छी है लेकिन इसका शीर्षक मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। तो उन्होंने शीर्षक उन्होंने पंचायत रख रखा था मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो उन्होंने कहा ये इसको उनसे पूछ लीजिएगा, बदला जा सकता है। लेकिन वो पहले से ही स्वीकृत थी उनके पास, कौशिक जी के पास। तो दोनों की आपस में सलाह के बाद उसका नाम पंच परमेश्वर रख दिया गया। तो वो कहानी बहुत प्रचलित हुई। उसके बाद जो द्वितीय नाम आता है वो भगवती चरण वर्मा जी का आता है। भगवती चरण वर्मा जी उन्नाव के रहने वाले थे, डिस्ट्रिक्ट के, और वे वकालत के लिए कानपुर में आए थे। लेकिन वे कविता बहुत अच्छी लिखते थे, उनकी आवाज़ बहुत सुरीली थी और उसी के बदौलत वे मंचों पे बहुत लोकप्रिय हो गए। वे कौशिक मंडली के संपर्क में आए तो उसके बाद उन्होंने उसको जो है उनका जो ये साहित्यिक थी मतलब प्रतिभा थी वो काफ़ी आगे बढ़ी। और ये इसके बाद आपको मालूम ही है कि भगवती चरण वर्मा कहाँ पर है। ठीक बात। अब उसके बाद तीसरे जो उनके सहयोगी थे जिनको कि उन्होंने बढ़ावा दिया वे बालकृष्ण शर्मा नवीन थे। बालकृष्ण शर्मा नवीन की भी आवाज़ बहुत सुरीली थी और कविताएं बहुत अच्छी हुआ करती थी। कौशिक मंडली विभिन्न आयोजनों का आयोजन भी आयोजित करते थे, गोष्ठियाँ, काव्य गोष्ठियाँ और साहित्य मंडल में वे अध्यक्ष भी थे। तो इस वजह से वो गोष्ठियाँ करा करते थे कानपुर में ही नहीं और अन्य शहरों में भी। तो जब वो इनका जो प्रसार हुआ तो नवीन जी की काव्य प्रतिभा को सभी लोगों ने बहुत सराहा। चौथा नाम जो मेरे जहन में आता जो मेरे वह प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी का। जब वे नवीं कक्षा में पढ़ते थे तब उनकी प्रथम कहानी गणेश शंकर विद्यार्थी जी के पास रखी गई कि ये प्रताप में छपाई जाए। गणेश शंकर विद्यार्थी जी और कौशिक जी बहुत अच्छे मित्र थे और कौशिक जी उन्होंने कहा भाई देखो मैं तो राजनीतिक पत्र निकालता हूँ, यदि आप चाहें तो हम इसको दूसरी जगह छपवा सकते हैं। तब उन्होंने कौशिक जी की पत्रिका हिंदी मनोरंजन के लिए उसे प्रस्तावित किया और कहा कि भाई एक बहुत अच्छा लड़का लिखता है, उसको ज़रा पढ़िए। उस कहानी को पढ़कर कौशिक जी अचंभित हो गए, कहने लगे इस उम्र में लड़का इतना अच्छा लिख रहा है तो आगे क्या लिखेगा। लेकिन कौशिक जी ये जरा बताइए कि जो ये श्रृंखला साहित्यकारों की है तो क्या ये माना जाए कि कौशिक मंडली एक बनी, जैसे कि अभी कहा जाता है कि सनेही मंडली बनी जी। तो जो कौशिक मंडली बनी और उस मंडली ने साहित्य में अपना योगदान किया जी। उस मंडली ने साहित्य को कानपुर साहिब में साहित्य को बहुत ऊंचे स्तर पर बहुत स्थान। ठीक बात है शुक्ला जी। ये अगर हम बात करें उस समय का, जैसे कि अभी नीलांबर जी ने भारतेंदु जी का भी जिक्र किया जी। अगर आप यूँ देखिए तो प्रताप नारायण मिश्र का भी आता है जिक्र, बालकृष्ण शर्मा भट्ट का भी आता है, श्याम सुंदर शर्मा का भी आता है जी। तो ये साहित्यकार हुए, रामचंद्र शुक्ल को भी ले लीजिए। और इधर आप देखिए विशंबरनाथ कौशिक जी
हमारे हैं, मुंशी प्रेमचंद जी का नाम लिया गया, भगवती वाजपेयी जी का नाम लिया जी, और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इन सबको संवर्धित कर ही रहे थे जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो उस समय का लेखन था, चाहे निबंध हो चाहे उपन्यास हो कहानी, उसका वैशिष्ट्य क्या था और वो इतने लोकप्रिय क्यों होते थे, इसका क्या कारण था जी? सर मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा जी कि जिन दिनों पंडित विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक ने हिंदी कहानी के क्षेत्र में, या हम कहें कथा साहित्य के क्षेत्र में पदार्पण किया, ये यद्यपि वे रागीव उपनाम से, जैसा कि कौशिक जी ने कहा कि वे शेरो शायरी भी करते थे और उर्दू अदब में भी उनका काम था। देखिए हमको यहाँ ये देखना होगा कि जो आधुनिक हिंदी गद्य है, जो आज हमारी राष्ट्रभाषा है, अगर उसको साहित्यिक रूप देने की बात आए तो सबसे पहले यह कार्य हम भारतेंदु हरिश्चंद्र को इसका श्रेय देते हैं, और उन्हीं के समय से हम आधुनिक काल, जो जो हिंदी साहित्य की जो आधुनिक काल को हम मानते हैं, तो वो हम भारतेंदु युग बल्कि उनके नाम पर ही पड़ गया, और इस तरह से हम मानते हैं। तो अच्छा, इसको हम गद्यकाल भी कहते हैं, क्योंकि यह भी सच है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के समय तक जो कविता है वो ब्रजभाषा में लिखी जा रही थी, बल्कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी ब्रजभाषा में कविताएं लिखी और गद्य तो वो खड़ी हिंदी में लिखा करते थे। तो इस प्रकार से हम ये मानते हैं और ये सर्व सर्वमान्य है कि जो आधुनिक हिंदी गद्य है इसकी शुरुआत भारतेंदु युग से मानी जाती है। अब इसकी जो रूपरेखा, जो पृष्ठभूमि है, पृष्ठभूमि यह है कि आज़ादी का आंदोलन उस समय चल रहा था और काफ़ी कुछ स्थितियां ये थीं कि उसके पहले पुनर्जागरण काल हो चुका था। पुनर्जागरण में हमारे कई ऐसे आंदोलन चले थे, जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है, आपका जो रामकृष्ण मिशन है, थियोसोफिकल सोसाइटी है, और इसके साथ साथ एक बात हम देखें कि जो छापे खाने आ गए थे, प्रिंटिंग प्रेस आ गए थे, प्रिंटिंग प्रेस और प्रेस आ गया था, उसमें हमारी पत्र पत्रिकाएं छपने लगी थी। तो उसमें क्या था कि जैसे कानपुर के जुगल किशोर शुक्ल जी गए और हिंदी का 1826 में पहला जो उदंत मारतंड है वो पहला पत्र वहां से निकलता है, फिर कानपुर में भी पत्र पत्रिकाएं निकलना शुरू हो गई। तो पहले तो जो पत्र पत्रिकाएं कानपुर में निकली उनके उद्देश्य दूसरे थे, वो सामाजिक उद्देश्य थे या राजनीतिक उद्देश्य थे या विशेष तौर पर वो धार्मिक उद्देश्य थे। आर्य समाजियों की अपनी पत्रिका निकल रही है, ईसाई मिशनरियों की अपनी पत्रिका निकल रही है, उनके अपने अपने धर्म के प्रचार के लिए, लेकिन उनमें 4 पृष्ठ 6 पृष्ठ साहित्यकारों को भी दिए जाने लगे। हिंदी साहित्य की पत्रकारिता की जो शुरुआत है वो वहां से होती है, और इस प्रकार से कानपुर के रचनाकार जब लिखने के लिए सक्रिय हुए तो उन पत्र पत्रिकाओं में उनकी कोई कविता, उनकी कोई कहानी इस तरह से प्रकाशित होने लगी, और इस प्रकार से वो इसके बाद फिर क्रमशः ये हुआ कि अब साहित्यिक पत्रिकाएं भी निकलनी चाहिए। तो साहित्यिक पत्रिकाएं जब निकलनी चाहिए तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो काम भारतेंदु हरिश्चंद्र उत्तर भारत में साहित्य का केंद्र बना करके जो काम वो काशी में कर रहे थे, वही काम कानपुर में पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने शुरू किया था ब्राह्मण पत्रिका के माध्यम से। उस समय एक केंद्र बनाया उन्होंने, और बाद में सन 1900 में जो सरस्वती पत्रिका का पहला अंक निकलता है, बाद में 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जुड़े, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी बाद में जुड़े, लेकिन सन 1900 में जो पहला अंक था उसमें किशोरीदास गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वामी की जो कहानी आती है इंदुमती, उसको हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। बाद में फिर 11 वर्ष का समय और दुलाई वाली बंग महिला की वो कहानियां आई, लेकिन आप ये देखें कि 1912 और 13 के आसपास कहानी आती रक्षाबंधन पंडित विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की, और ये वो दौर था, मैं आपको बता दूं ये वो दौर था जब हिंदी कहानियों में तिलिस्मी, अयारी, जासूसी, गोपाल राम गहमरी थे, वो चंद्रकांता संतति वाले आप थे, देवकी नंदन खत्री जी थे, ये लोग सब बड़े लोकप्रिय थे। अब उस समय क्या था कि जो कहानी हमारी सामाजिक जो परिवेश था, जो सामाजिक परिदृश्य था, जो हमारे समाज में जड़ताएं थी, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो स्त्रियों की दशा हो, चाहे वो धार्मिक रूढ़ियां हो, इन सब को लेकर के जो यथार्थ कहानियों का दौर था, उस दौर में कानपुर में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ नाम था तो पंडित विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक जी थे, जिन्होंने हिंदी कहानी को शुरुआत की। जानना चाहिए भारतीय नरिश्चंद्र से, सब लोग कहते हैं वहां से शुरुआत जी। भारतीय नरिश्चंद्र लिखते हैं, जो अगर आप उनका लेखन देखिए, एक तो हिंदी का महिमा करते हैं कि सब से ला करके हिंदी में करो ज्ञान पूरा करते हैं, भारत की दुर्दशा पर नाटक लिख देते हैं। उस समय के ब्रिटिश हुकूमत में कहते हैं कि आप विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कीजिए, वैसे भी लिख देते हैं। अगर हम
भारतेन जी की ही बात को लेकर के चले, तो जो बाद में जो कहानीकार आए क्या उन्होंने उससे प्रेरणा नहीं ली और वो सिर्फ सामाजिक परिवेश में आकर के रह गए? हाँ, आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न यानी कि ये प्रश्न और लोगों के मन में आना चाहिए। भारतेंद्र जी की बात की तो भारतेंद्र जी ने तो भारत की दुर्दशा पर नाटक लिख डाला और बार बार वो कहते हैं हिंदी का महिमा, बल्कि वो भी कहते हैं विदेशी कपड़ों का भी आप करिए। लेकिन जो उसके बाद आए, देखिये लिखा कवियों में तो बालके शर्मा नवीन को मान लेते हैं कि उन्होंने कभी कुछ ऐसी तान सुना दो एक हिलोरी सर से आए, वो तो उस समय उनका था। उसका कारण ये था कि ये सब गणेश शंकर विद्यार्थी से जब जुड़े तब उनमें ये तेवर दिखाई नहीं है। लेकिन अगर यूं देखा जाए, चाहे प्रताप नारायण मिश्र को देख लीजिए, चाहे आप बालकृष्ण भट्ट को देख लीजिए, चाहे आप उस समय के समकालीन में दूसरे लेखकों को देख लीजिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, और उसके साथ में आप मुंशी प्रेमचंद को देखें, ये सब कहानी सामाजिक पृष्ठभूमि की लिखी जा रही है। तो क्या उस समय स्वदेशी जागरूकता नहीं हुआ था, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज नहीं उठी थी, या ये लोग उससे निश्चिंत थे? यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है जी कि आप देखें कि 1857 का जो स्वाधीनता आंदोलन पहला वाला शुरू हुआ था जी, उस समय एक अखबार जो साइक्लो स्टाइल करके हस्तलिपि में आया था, पयाम-ए-आजादी में जो बेदार बख्त खान ने जिसका संपादन किया था, कानपुर के अजीमुल्ला खान जो नाना साहब के सलाहकार थे और बड़े विद्वान थे, अजीमुल्ला खान की एक कविता छपी थी और उसमें पहली बार कहा गया था कि हम इसके मालिक, पाक वतन है हमका, जन्नत से भी प्यारा। मैं आपको बतला दूं कि उस समय वो अखबार पयाम-ए-आजादी जिन जिन घरों से बरामद हुआ उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। बेदार बख्त खान को फांसी दे दी गई, अजीमुल्ला खान तो उस समय उनके पकड़ में नहीं आए। तो एक वो दौर था। 1905 में सोजे वतन आता है और मुंशी प्रेमचंद की वो जब्त कर ली जाती है वो कृति, और इसके बाद में वो एक हम ये मान के चले कि 1857 से लेकर के 1905 तक का जो समय था, अंग्रेजों को ये लगता था कि हम शहंशाह हैं, हम ताकतवर हैं, हम तानाशाह, जो चाहेंगे वो कर लेंगे। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी एक आंदोलन के रूप में आगे आती है और क्रमशः आप देखें 1920 का आंदोलन, उसके बाद 40-42 का जो आंदोलन आता है, तो अंग्रेजों को यह लगता है कि अब हम इस देश में बहुत ज्यादा दिन शासन नहीं कर पाएंगे। तो साहित्यकार जब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लिखते हैं या प्रताप नारायण मिश्र लिखते हैं या पंडित विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक लिखते हैं तो बहुत प्रतीकात्मक ढंग से अंग्रेजी शासन सत्ता का विरोध करते हैं। वे जानते हैं कि अगर हम सीधे सीधे विरोध करेंगे तो हम कुछ लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि जो प्रेस मीडिया के जो एक्ट थे उनके खिलाफ वो थे। लेकिन बाद में जब बालकृष्ण शर्मा नवीन आते हैं या माखनलाल चतुर्वेदी आते हैं या हमारे जो, और वही प्रेमचंद बाद में सोचे वतन से ज्यादा तीखी और मारक कहानियां लिखते हैं, तो उनके मन में ये था कि अब हम, यानी जो लोकतांत्रिक चेतना थी, हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो आजादी का जो जन जागरण था वो बहुत विस्तृत हो चुका था, तो लेखकों को भी लिखने के लिए एक हौसला या एक हम समझ सकते हैं कि उनको एक ताकत मिली हुई थी। वो भी हमको लगता है, अगर आप इससे सहमत होंगे कि प्रताप से एक ताकत बहुत बड़ी मिली 1913 में, बिल्कुल, और वहीं से ही शुरुआत हुई। उसके बाद लोग आए, लेकिन प्रताप ने जो दिया उसमें चाहे बालकृष्ण मालवीय हो, सुरेश भट्टाचार्य हो, भगत सिंह हो, जितने भी लोग जुड़े, लेकिन वहां से एक ताकत एक निकली और वो ताकत जो है आगे की ओर बढ़ी। लेकिन इसके पहले सामाजिक पृष्ठभूमि की उनके, नीलांबर जी आप तो बहुत कहानियों से जुड़े हुए, क्या कारण है कि उस जो कौशिक जी ने कहानियां लिखी या जो उनके समकालीन लोगों ने कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे, वो ज्यादा लोग अपने, आज भी हम पंच परमेश्वर की बात कर देते हैं, रक्षाबंधन की बात करते हैं, ताई की बात कर लेते हैं, उसने कहा था की बात करते हैं, लेकिन आज की कहानियां हम उस स्तर की नहीं पाते हैं। एक बहुत बड़ा और शायद विषय वस्तु में भी बहुत बड़ा फर्क आ गया है, क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में बहुत अच्छा सवाल किया आपने और मैं समझता हूँ कि ये आज के परिवेश में इस तरह के प्रश्न उठना लाजमी है। ये जो पहला युग था उसमें आदर्शोन्मुख, आदर्श के ऊपर ज़्यादा लोगों ने कंसंट्रेट किया जो कि समाज को बनाने में योगदान दे, चाहे वो पंडित विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक हों, चाहे वो प्रेमचंद, समाज को, ठीक बात है, समाज को उत्थान के लिए उन्होंने कार्य किया। और आजकल क्या हो रहा है,
आजकल वो अर्थोत्पादन के लिए ज्यादा लिखा जा रहा है और सस्ती लोकप्रियता के लिए कहानियां लिखी जा रही हैं, जिससे पुराने जब भी आप कहानी पढ़ेंगे तो बड़ी प्रासंगिक होती हैं और पढ़ने में अच्छी लगती है कि ये हाँ, हमें बिल्कुल हमें कुछ आदर्श मिल रहा है, कुछ हमें कुछ मिल रहा है। आजकल की पुराने जमाने कहानियां जब लिखी जाती थी तो वे लेखक उस कहानी का में प्रश्न उठाते थे और समाधान स्वयं करते थे, वो कुछ पाठकों के लिए नहीं छोड़ते थे। बिल्कुल, आजकल क्या है वो छोड़ देते हैं और बाकी आप सोचते रहिए। बहुत अच्छी बात आपने की, और एक उसका तरीका भी बड़ा बेढंगा होता है। कैसे चलेंगे, वो अंधेरी रात थी, वो वहां से छुप रही थी और भी धीरे धीरे जाने कहा डिस्टेंस ला करके और फिर कह जाते। पहले के जो कहानीकार थे वो सीधी सीधी बात कर देते थे, अब कहा भी कहीं कहा तेरी कुड़माई हो गई कलधत प्रतीका। अच्छा मैं राकेश जी आपसे जरा एक और बात करना चाहता हूँ, कहानी की तो बात अभी की है, अगर मैं निबंध की बात करूँ उस समय निबंध लिखे जाते थे, आप पानी कर्तव्य पालन और मित्रता जी, कितने अच्छे अच्छे निबंध लिखे जाते हैं, समाज को प्रेरणा देते थे ये निबंध। आज के निबंधों में क्या हो रहा, और कितनी सरल भाषा में जी, मतलब कहा जाता था कि लिखे, क्या उस समय की भाषा ऐसी ही थी इसलिए ये सब हुआ, या आज की भाषा में जब निबंध लिखे जाते हैं तो मैं तो क्षमा कीजिएगा शुक्ल जी, बड़े बड़े प्रोफेसर उसको नहीं समझ पाते जी। हमारे एक अग्रज है वो निबंध लिखते हैं, मैंने उनसे कई बार कह दिया जी, जरा आप जो निबंध लिख रहे हैं आप पढ़ भी रहे हैं लेकिन कितने लोग इसको समझ रहे हैं, ये क्या मतलब, इसको आप किस रूप में देखते हैं? सर मुझे ये लगता है कि जो शिल्प का आग्रह है जी, वो अधिक बढ़ा है। और एक चीज और है, पिछले पहले के जो कहानियां थी या जो उपन्यास थे उनमें जो कथा रस का जो झरना हुआ करता था, यानी किस्सा गोई, वो किस्सा गोई से पीछे नहीं हटते थे। आप चाहे मुंशी प्रेमचंद की कहानियां ले लें, चाहे विश्वनाथ शर्मा कौशिक की कहानियां ले लें, लेकिन आज क्या है, आज वो शिल्प में वो हमको आक्रांत कर देते हैं और भाषा को इतना जटिल कर देते हैं। खासतौर से जब आपने निबंधों की बात की तो निबंधों में भी कि जो कहना चाहते हैं, जो वो संदेश देना चाहते हैं, जो विचार देना चाहते हैं वो पीछे रह जाता है, और उनका जो पांडित्य प्रदर्शन है वो ज्यादा वो आगे आ जाता है। तो मुझे लगता है आज की जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी ने फिर से इसको रिप्लेस करना शुरू कर दिया है। नई पीढ़ी वो कहती है कि आप आसान भाषा में अगर आप हमें कोई संदेश देना चाहेंगे तो वो हमें ज्यादा, और इसलिए आप देखेंगे इधर जो जो नए लड़के जो लिख रहे हैं बेस्ट सेलर भी उसमें और अच्छा साहित्य भी उनका, वो बहुत ही ऐसी भाषा में अपनी बात कर रहे हैं जो हमें अंदर तक सीधे सीधे पहुंचा। अब आप देखिए कोई बात मित्रता है, आप क्या लिख रहे हैं, हम कोई सामान भी खरीदते हैं तो ठोक बजा के खरीदते हैं, मोल भाव करते हैं, मित्र बनाने में इन बातों का ध्यान नहीं रखते। बोले कितना बड़ा संदेश भी है, बहुत बड़ा। और उनका कर्तव्य पालन की जो सबसे बड़ी बाधा आलस चित्त की अस्थिरता, देखिए कितने एक संदेश देने वाले ऐसे निबंध अब ना तो पढ़ने को मिलते हैं और ना उनके बारे में कहीं कोई भूल भी सुनाई देती है। निश्चित रूप से अगर यो देखा जाए तो वो ज्यादा हमको समृद्ध संदेशवाहक संवाहक प्रतीत होता है, बसरते कि आज के आप इससे सहमत होंगे। कहीं आज छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन कुमार तिवारी नववर्ष की सभी अधिवक्ता बंधुओं को एवं कानपुर नगर के सभी नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि महानगर में शांति और सबके उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो। मैं राकेश कुमार तिवारी प्रत्याशी महामंत्री कानपुर बार एसोसिएशन कानपुर के समस्त अधिवक्ता बंधुओं को, बहनों को, कानपुर के नगरवासियों को, हमारे न्यायिक अधिकारियों को नव वर्ष 2020 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मनीष तिवारी रिचा इलेक्ट्रॉनिक से सभी शहरवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। शुक्ला
मैनेजिंग डायरेक्टर श्री बालाजी ग्रुप्स मैन पावर आउटसोर्सिंग कंपनी कानपुर। कानपुर में समस्त नगरवासियों को आने वाले नववर्ष 2020 में हार्दिक हार्दिक बधाई व शुभकामना देता हूँ। आशा करता हूँ कि हमारा 2020 कानपुर समस्त नगरवासियों के लिए उज्जवल भविष्य लेकर आए। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल CGHS, QCI और NAPH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD। राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT। सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। मेहमान नवाजी का शाही अंदाज। खिदमत रेस्टोरेंट कवर्ड एंड ओपन एयर का खुशनुमा माहौल, फुली एयर कंडीशन, बेहतरीन सर्विस, इंडियन, मुगलाई, चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल फूड प्रिपेयर्ड बाय वेल ट्रेन शेफ, आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार। खिदमत रेस्टोरेंट ग्रैंड गीत होटल द मॉल कानपुर। ग्रैंड गीत होटल्स कंफर्ट लग्जूरियस exclusive excellent rooms and suites with modern facilities, banquet hall, conference hall, multi cuisine restaurant, and gym open shortly with luxurious services. Also, you can book us on Make My Trip and Go iBibo. Grand Keith Hotels, The Mall, Kanpur. Contact number 0512-237-1024-2371046 9792-000-685. Visit us on www.grandkeithhotels.com. कुछ खुशियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें पाया नहीं बस महसूस किया जाता है। आपकी फिटनेस भी कुछ यही कहानी कहती है। हम जोश से सिर्फ बातें ही नहीं करते, उसे दिल से महसूस भी करते हैं। अब हर पन्ना खुलेगा फिटनेस के सीक्रेट्स का और कदम कदम पर मिलेंगे अनमोल फिटनेस मंत्रास, साथ में धड़कनों को काबू करने वाली रिलैक्सिंग एक्सरसाइज, वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट्स के साथ वर्ल्ड क्लास ट्रेनर्स जो आपकी फिटनेस को दें एक नई दिशा आपकी जरूरत के अनुसार। तो अपनी नई पहचान बनाने के लिए आज ही ज्वाइन करें भारत की अत्याधुनिक अपकमिंग फिटनेस चेन रेट्रो जिम, के ब्लॉक किडवाई नगर कानपुर। स्टोवल की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर भारत का उत्तम ब्रांड हाकिम स्टोरवेल पाउडर कोटेड रस्ट प्रूफ अलमीरा, अत्याधुनिक मशीनों से निर्मित, 10 वर्षों की फुल गारंटी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। श्री लगन साड़ीज कानपुर का जाना माना नाम, जिसके पास है डिजाइनर साड़ियों, ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों का नायाब व विशाल संग्रह जो आपको बना दे दीवाना। श्री लगन साड़ीज जो हर खुशी के पल में है आपके साथ, इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों पर फ्लैट 30-50% का डिस्काउंट। आपकी खुशी हमारा हक है। श्री लगन साड़ीज दर्शन पूर्वा व तिलक नगर कानपुर। क्या माओ को भरी दोपहर में बच्चों का इंतजार करना पड़ता है? क्या पापा लोगों को सर्दी की सुबह में बच्चों के साथ स्कूल बस का इंतजार करना पड़ता है जिससे बच्चे बीमार हो जाते हैं? क्या महीने में 2-3 बार आपके बच्चे की बस ट्रैफिक में फंस जाती है या फिर किसी कारण से बस रास्ते में फंस जाती है और आपको कोई अपडेट नहीं होता न कोई जानकारी होती है? अब इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाएगा ट्रैक श्योर। प्रोवाइड्स यू सॉल्यूशन नेक्स्ट टू रियल टाइम ट्रैकिंग के साथ है ट्रैक श्योर। किसी भी एक्स्ट्रा डिवाइस की जरूरत नहीं है।
वैन या बस में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी गूगल एपीआई का इस्तेमाल करते हैं हम। SOS बटन फॉर इमरजेंसी कॉलिंग टू ट्रांसपोर्ट इन चार्ज, ट्रैफिक अलर्ट नोटिफिकेशन, यदि स्कूल बस 5 मिनट भी देरी से आए, स्कूल पहुंचने का और स्कूल से निकलने का नोटिफिकेशन आएगा। ट्रैक श्योर है अब गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम साहित्य साधना में चर्चा कर रहे हैं कौशिक की यात्रा, जो अपने समय में एक ऐसी थी जिसने तमाम साहित्यकारों को प्रेरणा देने का काम किया था, समाज को संदेश देने का काम किया था और कहीं ना कहीं से स्वदेशी जागरण को भी बढ़ावा दिया था। एक अच्छी श्रृंखला है और वो चलती भी रही है, लेकिन आज हम बार बार वही बात कहते हैं, वो चीज नहीं देखने को मिल रही है, उसका अध्ययन और अनुसंधान नहीं हो रहा है। शुक्ल जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो उस समय की जो कथाएं थी वो समाज को क्या संदेश देती थी? सबसे बड़ा संदेश आपको क्या लगता था कि जो आज बहुत संस्कारों की बात की जाती है, हमको तो लगता है वो कहानियाँ ही बहुत बड़ा संस्कार दिया करती थी लोगों को, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, पंडित विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक के संदर्भ में अगर हम कहें जी, तो जिन दिनों लगभग 100 वर्ष पहले, यानी कि जब वो उन्होंने कहानियाँ लिखना शुरू किया था, तो उनकी पहली कहानी रक्षाबंधन जो आती है 1912 या 13 में, और उसके बाद फिर उनकी लगातार कहानियाँ आती हैं। अब मैं एक कहानी का उदाहरण देता हूँ, एक कहानी पीपल का पेड़ उनकी है। उस पीपल के पेड़ में उन्होंने ये दर्शाया है उस समय कि जैसे आज भी हम मानते हैं कि पीपल के पेड़ को काटना नहीं चाहिए, लेकिन उसमें कहानी आती है कि एक बाबू साहब हैं, उनके घर में पीपल का पेड़ है, वो उनके घर में इसकी जो दीवार में है वो बढ़ता चला जा रहा है। स्थिति यह है कि वो दीवार उनका घर पूरा धराशायी होने की स्थिति में है, लेकिन धर्मपारायण माँ, कर्तव्य पारायण पत्नी दोनों कहती है, नहीं नहीं, पीपल के वृक्ष को तो काटा ही नहीं जा सकता है, पीपल पर तो देवताओं का वास होता है, पीपल के पेड़ पर तो चढ़ना ही अपराध है। ऐसे वो बहुत परेशान हो जाते हैं और वो बहुत परेशान, वो कहते हैं कि घर हमारा आज गिरा कि कल गिरा। उसके बाद वो अपने मामा जी के माध्यम से किसी तरह वो एक व्यवस्था बनाते हैं कि पत्नी और माता जी को कहीं भेज देते हैं, स्वयं भी चले जाते हैं सपरिवार कुछ दिन के लिए बाहर यात्रा पर। वो मामा जी से कहते हैं कि भाई इस पीपल के पेड़ को कटवा दीजिएगा, वो पीपल का पेड़ को मामा जी कटवा देते हैं। बाद में फिर उन्हें पता चलता है कि मामा जी की तो समृद्धि दिगुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। बाद में किसी मजदूर ने बताया कि पीपल का की जब जड़ निकाली जा रही थी पेड़ की, तो उसमें कहीं एक अशर्फियों से भरा हुआ बहुत बड़ा घड़ा निकला था, जिन अशर्फियों को चुपचाप उनके मामा जी ने हड़प लिया। कौशिक जी बाद में उसमें लिखते हैं कि बाद में बाबू साहब कहते हैं कि पीपल के वृक्ष को खुद नहीं काटना चाहिए, मजदूरों के माध्यम से नहीं कटवाना चाहिए, खुद स्वयं काटना चाहिए। आप देखें, आज से करीब 80 वर्ष 90 वर्ष पहले जब हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि धर्म जो धार्मिक हमारी जो विश्वास थे या जो हमारी परंपराएं थी, जो हम एक कह सकते हैं कि अंधश्रद्धा थी, उसको लेकर के उस समय एक रचनाकार एक प्रतिकार कर रहा है। तो मैं उन्हें सच मायने में मैं उन्हें एक प्रगतिशील लेखक भी समझता हूँ। इसी तरह उनकी और भी कहानियां हैं जिसमें सुशिक्षा है, एक सुशिक्षा कहानी है उसमें स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। एक पगली कहानी है जिसमें एक दलित छोटी सी बच्ची, 12-13 वर्ष की दलित बच्ची एक सामंत के यहाँ, एक बड़े जमींदार के यहाँ काम करती है, उनका बेटा राधाकांत उसे कुछ पढ़ा देता है, उसके पिता भी वहीं काम करते हैं, लेकिन पिता को हमेशा प्रताड़ना दी जाती है, वो दलित है, वे अपनी नियति मान लेते हैं। उसके पिता कहते हैं कि अरे ये तो हमारे भाग्य में है और हमें प्रताड़ित होना है, ये बड़े ऊंची जाति के लोग हैं और हम दलित हैं, हमको तो ये प्रताड़ित करेंगे ही। लेकिन जब उस लड़की को राधाकांत के माध्यम से जो शिक्षा का ज्ञान मिलता है, वो किताबें लाता उसको, तो उसको ये अपमान बर्दाश्त नहीं होता है, वो रोती है, उसको लगता है कि ये हमारा अपमान कैसे हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि शिक्षा, ये कहना चाहते हैं कौशिक जी कि शिक्षा के माध्यम से स्वाभिमान भी जागृत होता है। एक कहानी का मैं जिक्र करूंगा, उस समय 1944 में कौशिक जी ने कहानी लिखी थी पाकिस्तान, और उस समय पाकिस्तान की कोई परिकल्पना नहीं थी। यह जरूर था
कि गांधी जी और जिन्ना जी के मध्य जो बात चल रही थी, तो किसी ने कहा कि भाई गांधी जी ने जिन्ना जी के मांग को स्वीकार कर लिया है। कौशिक जी कहानी लिखते हैं और बहुत अच्छी कहानी है, आप देखें कितनी धर्मनिरपेक्षता की वो बात करते हैं उस कहानी के माध्यम से। एक नवाब साहब हैं, लखनऊ के नवाब साहब हैं, उनके यहाँ मंडली जमी हुई है। अब लोग कहते हैं नवाब साहब पाकिस्तान की बात तो गांधी जी ने मान ली है, जिन्ना की मांग मान ली है, और अब आप क्या पाकिस्तान नहीं जाओगे? तो नवाब साहब कहते हैं अरे भाई मैं क्यों जाऊं, चाहे मेरी जूतियां, मैं मुझे क्या, मेरे मेरे मुझे मेरा तो अपना हिंदुस्तान है, वो पाकिस्तान तो जिन्ना साहब को मुबारक हो। तो एक कहते हैं कि अरे भाई यहाँ तो हिंदुओं का राज हो जाएगा। तो नवाब साहब कहते हैं क्यों भाई, क्यों, क्या हिंदू हमें खा जाएंगे क्या? और फिर वो कहते हैं कि अरे भाई हम तो ना पाकिस्तान ही भले, पर लखनऊ से बड़ा हमारे लिए हमारा शहर कोई बड़ा हो ही नहीं सकता है, और ये पाकिस्तान तो जिन्ना साहब को ही मुबारक हो, लखनऊ हमारा अपना हमारे लिए, और हम तो यहीं जिएंगे यहीं मरेंगे। तो कहने का आशय यह है कि कौशिक जी ने उस समय जो धर्म निरपेक्षता की बातें की, जो सामाजिक सौहार्द की बात की, जो उन्होंने धार्मिक कट्टरता अंधविश्वास और इनके तिरस्कार की बात की, तो इस तरह से इनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि कौशिक जी के अलावा मुझे कोई दूसरा ऐसा कहानीकार नहीं दिखता है जिसने विश्व युद्ध की विभीषिका को लेकर के महत्वपूर्ण कहानियां लिखी। कौशिक जी ने कहानी लेखन की शुरुआत 1912-13 में की थी, 1914-18 पहला विश्व युद्ध, और उसके बाद 1939-45 दूसरा विश्व युद्ध, और 1945 में कौशिक जी नहीं रहे। तो इस प्रकार से दोनों विश्व युद्धों की विभीषिका को लेकर के, और मजे की बात आपको बताएं ये कि उन्होंने पेरिस की नर्तकी, मनुष्यता का दंड, या और भी जो कहानियां उन्होंने लिखी हैं इस तरह की, उसमें जैसे उन्होंने जब जर्मन की सेनाएं जिस तरह से अपने बूटों तरह रूस की जनता को रौंद रही हैं, या जापान की जो सेनाएं हैं वो वर्मा में अधिग्रहण करके और वर्मा की आम जनता को रौंद रही हैं, उन स्थितियों को लेकर के इतनी जीवंत कहानियां लिखी हैं। उन्होंने कभी विदेश यात्रा नहीं की थी, वे कानपुर में रहते थे, लेकिन ऐसा लगता है इतने चाक्षुष वर्णन है, ऐसा लगता है कि कौशिक जी खुद देख रहे हैं, और वहाँ के आम जनमानस को, आम जनता को, जिस तरह की वो जो सैनिक हैं जिस तरह अपने बूटों तरह उनको रौंद रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं इस तरह से, तो उन्होंने बहुत इन चीजों को, मतलब उनकी जो दृष्टि थी वो एक अंतरराष्ट्रीय दृष्टि, बिल्कुल विश्व युद्ध को लेकर के भी बहुत सार्थक को संदेश पत्र बहुत अच्छी बात लिखी है। ये नीलांबर जी, लगता है कि उस समय का जो साहित्य था या कौशिक जी की जो कहानियां थी, आज भी लगता है कि बड़ी कालजयी है, प्रासंगिक है, और इनकी बड़ी उपादेयता है, क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए साहब कि उनके ऊपर ये सवाल वैसे मेरे जहन में भी उठता है, और आपने इसको उठाया है तो, और हमारे पाठक, हमारे श्रोता जो देखेंगे तो उनको भी समझ में आएगा कि उनको, उनकी जो उपेक्षा हुई वो वामपंथी विचारधारा की वजह से हुई, और वो काफ़ी समय से बीच में गुमनामी में रहे। प्रयास किया गया, हमारे शुक्ला जी ने बहुत प्रयास किया, हमारे बहुत सारे साथियों ने किया, और वो आज फिर से प्रासंगिक हो गए। अब इनका जो कहानियां हैं, इनको, इनके ऊपर शोध करके, और इनको अगर विश्वविद्यालय में इनको फिर से दोबारा पढ़ाया जाए, तो मैं समझता हूं कि इससे जो है उनका मूल्यांकन भी हो पाएगा, और हमें ये भी मालूम हो पाएगा कि हमको किस आदर्श के रूप में हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। हमारे जो परंपरा है, मतलब एक परिवार जिसमें मुखिया पिता होता है, इस तरह की जो मान्यताएं अब ख़त्म होती धीरे धीरे जा रही हैं, वो मान्यताएं सब उन कहानियों से मिलेंगी, और एक अच्छा मतलब मैसेज जाएगा पाठकों के मध्य। ठीक बात जी। सुखनी जी, क्या ऐसा नहीं लगता है जी, जो मेरे मन में विचार आ रहा कि जैसे ये आपने शिक्षा की बात की जी, पीपल के पेड़ की बात जी, और पाकिस्तान जी जो वर्तमान संदर्भों में बड़ा महत्वपूर्ण जी मुद्दा चल रहा जी, क्या उनके जो ये कहानियाँ हैं उनके छोटे छोटे रूप में उनको प्रकाशित करके समाज में वितरित न किया जाए, क्या करना? बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा काम तो नीलांबर कौशिक जी कर रहे हैं, उनके पौत्र हैं, पंडित विश्वमाना शर्मा कौशिक के पौत्र हैं, और इन्होंने बहुत अच्छा काम ये किया हुआ है कि उनके जो 80 और 90 वर्ष पुराने जो कृतियां थी, उपन्यास और कहानी संग्रह थे, उनको वो पुनः पुनः, जैसे अभी भिखारणी का 13वां संस्करण पिछले दिनों आपने उसको संपादित किया, प्रकाशित किया, अमरीश सिंह दीप जी ने उसकी भूमिका लिखी पुनः, और इस प्रकार से माँ, उनका जो उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, और संघर्ष
संघर्ष, माँ और भिखारणी, तीन उनको उपन्यास हैं। और भिखारणी तो आगरा विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम में भी शामिल है। अभी मैंने भी एक छोटा सा प्रयास किया है कि पिछले वर्ष मैं पाठ्यक्रम समिति की विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम समिति की कमेटी में मैं मेंबर था, सदस्य था, तो उसमें मैंने पंडित विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक को दूत पाठ के अंतर्गत मैंने उनको रखा हुआ है। तो कोशिश की है कि पाठ्यक्रम में भी वो आवे, पाठ्यक्रम के माध्यम से जो आज के विद्यार्थी हैं वे भी उनको जाने। मैं इसलिए उनको पाठ्यक्रम के माध्यम से या शोध इत्यादि के माध्यम से उनको, हम लोगों की कोशिश है कि उनको आगे लाएं, क्योंकि उनकी कहानियों में केवल तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों का ही परिवेश जीवंत नहीं था, बल्कि उनमें एक दार्शनिक चेतना थी, एक संदेश भी था। जैसे एक भिखारणी उपन्यास में एक अंतिम वाक्य आता है जो जसोदा उर्फ जस्सो जो कहती है, वो एक वाक्य में ही पूरा जीवन दर्शन आ जाता है। वो ये कहती है कि मैंने अपनी परिस्थिति में, अपने परिस्थितियों में जो मैंने किया वो मेरे लिए सही था। और सिर्फ एक वाक्य से ये पूरे उपन्यास का जीवन दर्शन आ जाता है कि हर व्यक्ति को अपनी परिस्थितियों के हिसाब से जो वो करता है वही उसको करना चाहिए। तो कहने का आशय ये है कि एक बहुत बड़ा संदेश है उनकी कहानी में। मैं तो और थोड़ा चाहता हूँ, इसको आप पाठ्यक्रम में ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है जी। निश्चित रूप से कौशिक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं संग्रह, लेकिन मैं चलो जिसे मान ली पाकिस्तान वाली है जी, इसके चाहे जितने भी पन्नों में आए, 8 पन्नों में, 10 पन्नों में जी, इसको प्रकाशित करके जी, और इसका वितरण होना चाहिए, बिल्कुल समझे बिल्कुल। और निश्चित रूप से जब ये चीजें, क्योंकि आज इसके लिए सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, सरकार परेशान है, सब लोग परेशान है, और हमारे पास उसका भंडार है लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। कितनी बड़ी बात है। कौशिक जी मैं ये जानना चाहता हूँ, जो इतना रचना वैविध्य चल रहा है जी, उस वैविध्य में अब रेखाचित्र भी आ गए हैं, आत्मकथा भी आ गए, स्मरण भी आ गए, बहुत कुछ हो रहा है, कहानी, नाटक, क्या आपको लगता है कि इतने रचना वैविध्य में कहानी कुछ हाशिए पर चली गई है? जी बहुत सही आपने कहा, और ये कथाकार के रूप में मेरा भी थोड़ी सी चिंता का विषय है कि जो जिस तरह प्रकार से ये आत्मकथाएँ और ये बायोग्राफी और ये आ रहे हैं, उससे क्या है कि आदमी अपने को प्रोजेक्ट कर रहा है, वो कोई संदेश अपने को समाज के ऊपर थोपना चाह रहा है और ये दिखाना चाह रहा है कि हमारे अंदर क्या प्रतिभा है या कुछ किस प्रकार का मैं आदमी हूँ। वहाँ पर कहानी और किस्सा गोई का कोई मतलब नहीं हो जाता है, जबकि कहानी और किस्सा गोई जो है एक मनोरंजन का बहुत बड़ा साधन है। हम आखिर आत्मकथा किसी की क्यों पढ़ेंगे, हमें उससे क्या लाभ है? यदि अगर आत्मकथा लिखेंगे तो गांधी जी की पढ़ेंगे, यदि पढ़ने होंगे तो अब्दुल कलाम आज़ाद की पढ़ेंगे, जिन्होंने हमें समाज में कुछ दिया है। लेकिन जो इस प्रकार से हर व्यक्ति अपनी आत्मकथा लिख रहा है और सामने आ रही है, उससे जो है कथा वो कथा से विमुख होता जा रहा है और एक दूसरी धारा पे हमारा साहित्य बहने लगा जी। और सुकली जी अभी बहुत अच्छी बात नीलांबर जी कह रहे थे कि साहित्य बह रहा है, क्या लगता है कि कहीं हमारा साहित्य दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, इनमें फंस के रह गया? देखिए, साहित्य की विविध विधाओं का आना तो स्वाभाविक है। हाँ। जितनी विधाओं में साहित्य आएगा उतनी ही साहित्य की समृद्धि होगी। लेकिन हम जब साहित्य को वादों, खांचों और इनमें बांटने लगते हैं तो जो साहित्य की मूल धारा है उसका नुकसान होता है। लेकिन हम यहाँ पर एक बात कहना चाहेंगे कि जो कहानी कथा साहित्य है वो कभी भी वो अप्रासंगिक नहीं होगी, वो सदैव, चाहे वो नई पीढ़ी भी आए उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, वो भी उसमें आनंद लेगा। और कौशिक जी या मुंशी प्रेमचंद जी जैसे लेखकों का इसलिए बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए कि हम आश्चर्य करते हैं कि वे साहित्य के उस दौर के लेखक हैं जब उन्होंने खुद झाड़ झंखाड़ काट करके पगडंडियां बनाई, और सिर्फ पगडंडियां ही नहीं बनाई, उस पगडंडी को उन्होंने राजमार्ग के रूप में परिवर्तित किया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पंडित विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक ना ही सिर्फ साहित्य के प्रवर्तक थे, हिंदी कथा साहित्य के प्रवर्तक थे, वरन उसके वे एक तरह से राजमार्ग के निर्माता भी थे। तो वे प्रवर्तक भी थे, निर्माता भी थे, और उनके अंदर, उनके साहित्य के अंदर जो चिंतन और जो व्यंग्य की जो पहनी दृष्टि थी, उस राजमार्ग पर चलने वाले, चाहे वो भगवती प्रसाद वाजपेयी हो, चाहे प्रतापनाथ श्रीवास्तव हो, चाहे वो आपके आपके श्रीलाल शुक्ल हो, अमृतलाल नागर हो, इन सब लोगों ने उस मार्ग पर एक तरह से जो व्यंग की जो
पहली धार थी वो मैं मानता हूँ कि कौशिक जी ने उस धार को दिया था और भगवती चरण वर्मा पर भी बहुत बड़ा योगदान उनका था। उनकी नीलांबर जी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और ये हमारा आखिरी सवाल भी है। आपने कौशिक जी की भी चर्चा की, आपने समकालीन, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज के लेखक को क्या करना चाहिए, क्या लिखना चाहिए और आपको कहाँ पर अटपट ऐसा लग रहा है जिसमें सुधार होना चाहिए, बहुत संक्षेप में चाहते जी। जी मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा जी कि जो माँ 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 जो उनका नॉवल है जी, उपन्यास है, जब वो उसका प्रकाशन हुआ अमन प्रकाशन द्वारा तो इंटरनेशनल फोरम पे गूगल में एक प्रतिक्रिया दिखाई पड़ी। वो प्रतिक्रिया ये थी कि ये जो उपन्यास है ये मैक्सिम गोर्की के द मदर्स का हिंदी रूपांतरण है। उस तो उसका जवाब देना पड़ा था हम लोगों को, अमरीक सिंह दीप साहब ने दिया, अमन प्रकाशन जी ने दिया, हमारे राकेश शुक्ला जी ने भी दिया कि 1929 में जो प्रकाशित उपन्यास था और 1939 में मैक्सिम गोर्की ने लिखा तो ये प्रभाव कैसे हो सकता है। अब आपकी बात पे आता हूँ मैं, जो जो कहानी की जो विधा चल रही है ये कहानी में आदमी उन विषयों को परोस रहा है जो पब्लिक को का एक तो मानसिक स्थिति खराब कर रही है, तो क्योंकि वो देखना चाहे जो छिपे हुए तत्व हैं उनको ये उभार रहा है, जैसे सेक्स का काफी आ रहा है और इस तरह से मतलब इन चीजों को लिविंग रिलेशन पे लिखने काफी कहानियां मैंने हाथ में पढ़ी, तो इस तरह की कहानियां ये लोग लिख रहे हैं जो कि हमारे समाज को केवल मतलब सुधार की ओर न ले जाकर बर्बादी की ओर ले जाएगा। बिल्कुल, तो मेरा ये कहना है कि हमें वो साहित्य लिखना चाहिए जिससे लोग प्रेरणा ले सके, हमारी पीढ़ी देखे कि हमारे पिताजी ने या हमारे हमारे पूर्वजों ने कुछ लिखा, मेरा बस इतना कहना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँ, एक सोशल मीडिया का भी क्या लगता है आपको प्रभाव पड़ गया है ये कहानी जगत पर, नंबर एक, और नंबर दो, आप जो देख रहे हैं लेखन में, क्योंकि आप तो बहुत समीक्षा करते हैं, कि आपको कोई ऐसी रचना, कोई ऐसी कथा, कुछ भी ऐसा दिख रहा है जो समाज को प्रेरणा दे रहा है? देखिए, जहाँ तक सोशल मीडिया का जो मामला है तो स्वाभाविक है कि नई पीढ़ी इससे बहुत ज़्यादा इस पर भरोसा कर रही है, लेकिन सोशल मीडिया में कितना श्रेष्ठ साहित्य आ रहा है वो तो हम सब जानते हैं। वो दरअसल हम जैसे चौराहे पर खड़े होकर के चाट पकोड़े या इस तरह की चीज़ें खाते हैं वो चटपटी चीज़ें तो हो सकती हैं, लेकिन जो साहित्य का मुख्य उद्देश्य है वो उससे पूरा नहीं होता। सोशल मीडिया एक तरीके से साहित्य के लिए खतरनाक है, घातक है, नुकसान दे रहा है। लेकिन एक चीज है कि सोशल मीडिया पर कुछ अच्छे रचनाकार भी जो नई पीढ़ी के हैं वो लिख रहे हैं, जो छप नहीं पाते थे, प्रकाशित नहीं हो पाते थे, वो सोशल मीडिया के माध्यम से अच्छी चीजें आ रही हैं। हाँ, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें गड़बड़ भी हैं जिनसे हमें बचा जाना चाहिए। तो ये तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि जो प्रिंट मीडिया के माध्यम से, जैसा भी कौशिक जी ने कहा कि व्यावसायिकता का दबाव है और स्वाभाविक है कि जो श्रेष्ठ साहित्य है वो हमारे घरों से कहीं ना कहीं निर्वासित होता जा रहा है, हमारे परिवार से हम उन्हें उस साहित्य के संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, तो पत्रिकाओं के सामने भी दबाव है कि वो अगर वो बिकेंगी नहीं तो चलेंगी कैसे। तो कहीं ना कहीं उन संपादकों को ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे मसाले इसमें भरे जाएं, बल्कि वो राइटर से बाकायदा लिखवाते हैं लेखकों से कि कुछ मसाले वाली कहानियां लिखो ताकि वो पत्रिका हमारी चल पाए या बिके, उसका खर्चा निकले, तो ये भी एक प्रकार का दबाव है। लेकिन मेरा ये मानना है कि चुनौतियां किसी भी समय में कम नहीं होती हैं, सामाजिक चुनौतियां एक साहित्यकार का जो मुख्य उद्देश्य है, जैसे कौशिक जी या प्रेमचंद के समय में जो समस्याएं थी उन समस्याओं को लेकर के जो उन्होंने कहानियां लिखी, जो उस समय साहित्य जिस कहते हैं समाज का दर्पण है, समाज को संस्कारित करने वाली कृतियां थी, और आज के साहित्यकारों का भी मूल लक्ष्य होना चाहिए कि हम वो रचनाएं लिखें जिनसे हमारा मुख्य लक्ष्य समाज को संस्कारित और परिष्कृत करना है, हमारी समाज की चेतना उनके चित्त का संस्कार करना। ये तो आपने कहा। एक खाली बहुत ही अंत में आपसे सवाल और पूछ लेंगे कि क्या लग रहा है कि साहित्यकार खो रहा है? हाँ, ये सच है, साहित्यकार इस रूप में खो रहा है कि वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसके अवचेतन में जो श्रेष्ठ साहित्य का भाव है वो नहीं है, वो कहीं ना कहीं भटक रहा है। हाँ, मुझे लग रहा है इस तरह से नहीं खो रहा है जो पहले के साहित्य। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे सामने
दो कहानियां दो पुस्तकें आई, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि उनकी ठेस पहुंचेगी। वो किताब मेरी सिस्टर ने उठा के पढ़ी और मेरे से कहा कि भैया इस तरह की किताबें मत रखा करो घर। ठीक बात है, हाँ ऐसा भी साहित्य बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ठीक बात, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ल जी आपको, बहुत अच्छे ढंग से आपने अपनी प्रस्तुति दी, और कौशिक जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से आज का साहित्य चिंता के लिए बहुत कुछ है, और दूसरी चीज ये कि चुनौतियां हर समय रही हैं, कौशिक जी के जमाने में भी चुनौतियां रही हैं, लेकिन उन्होंने मार्ग अपने प्रशस्त किए हैं, उनको आलोकित किया है, उनको एक सौंदर्य प्रदान किया है, उसमें सत्यम और स्वयं का पुट दिया है। लेकिन आज का साहित्यकार अफसोस चुनौतियों की तो बात करता है लेकिन अपना मार्ग नहीं देखता है, अपना लक्ष्य नहीं देखता है, वो कहीं दबाव में, कहीं व्यवसाय में, कहीं महत्वाकांक्षा के नाम पर जुगाड़ करके लेखन करता है, और ये लेखन हमारे लिए घातक है। देखते रहिए जेएमडी न्यूज़, नमस्कार। आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज, आम जन की आवाज। के दुबे पद्मेश का नमस्कार। अब हम आपको प्रत्येक रविवार को आपकी समस्याओं का करेंगे समाधान ज्योतिष के दर्पण पे। आपको भेजना होगा अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान, किस पर? जेएमडी पर, केवल जेएमडी पर। और इसके बाद बताएंगे